शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राठौर परिवार की तरफ से आए हैं। ये घर खरीदने की बात इन्हीं से तो चल रही थी। कर दे, चल चला जा। नहीं चाचा जी, हम अपनी अम्मा की यादें नहीं बेच सकते। अब तो बात पानी की तरह साफ हो गई। ये चंपा ही डायन है। हाँ, ये डायन है। ये वो नौने दिया जो इस हवेली में छिपी हुई है, इन्हें ढूंढने के बाद ही कलश मिल सकता है। और वो नौ निधियां तुम ढूंढोगी चंपा। तुम एक डायन, और एक डायन अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती है। हे डिब्बे, उड़ के अभी हमारे हाथ में आ जाओ। देखो, ज्यादा नखरे मत करो, अभी हमारे हाथ में आओ। ध्यान लगा चंपा, ध्यान लगा। छोटी कुमारी, सालों से तेल लगा लगा के मर गए, लेकिन तुमसे एक इंच ना बढ़ा गया। और अब देखो, तुम्हें इतनी ज्यादा शक्ति है। बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है सब?
और ये सब क्या है? क्या क्या है? दिख नहीं रहा, खाना बना रहे हम। और जब खाना बनाते ना तो रसोई ऐसी फैल जाती है, जब खाना बन जाएगा तो ठीक कर देंगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। किस खुशी में? किस खुशी में? इस तरीके से काम करोगी तो आज ही नौकरी से निकाली जाओगी। तो निकल जाने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या लगते हैं आप हमारे? बता दो। बता दो। बता दो। आप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द है। ओ बाबू, ये आप क्या करें, आपसे कुछ नहीं होगा, लाइए दीजिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लड़के और इस घर के बेटे, और अक्सर यही माना जाता है कि इस देश में लड़के झूठे बर्तन नहीं उठाते, खाना क्या खाक बनाएंगे। बंद करो, बेटों को खाना बनाना सिखाया नहीं जाता, लेकिन बेटे खाना बनाना खुद भी तो सीख सकते हैं ना। खाना बनाना एक हुनर है, और हुनर जेंडर का मोहताज नहीं होता। आई नो लड़कों का मंगल ग्रह पर जाना आसान है, लेकिन रसोई घर में आना मुश्किल है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही है, क्या कर सकते। और रही बात मेरी, तो मैं बहुत अच्छा कुक हूं, किसी नकली बावर्ची से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। रसोई में क्या हो रहा है? वो दादी, हम तो खाना ही बना रहे थे। अगर तुम खाना बना रही थी तो हमारे पोते के हाथ में कड़छी क्यों है? वो दादी, एक्चुअली आज इसका रसोई में पहला दिन है ना, तो मैं इसको रसोई दिखा रहा था। रसोई दिखाना घर की बहुओं का काम है, घर के बेटों का नहीं। वो दादी, हम तो बस देख रहे थे कि ये लड़की खाना कैसे बनाती है, इसीलिए। इसलिए तुम आटे की बोरियों की तरह अपनी जगह पड़ी रही और घर के बेटे को करछी उठानी पड़ी। अब अम्मा जी, हम लोगों को थोड़ी ना पता था कि विक्रम करछी उठा लेगा। पता होता अगर तू रसोई में रहती, जितनी नजर तेरी आईने पे रहती है उसकी आदि भी अगर रसोई में रहती तो क्या बात थी। तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो,
तो इस घर की परंपराएं सीखनी होंगी। पति पत्नी मिलकर घर संसार चलाते हैं, पत्नी घर संभालती है और पति संसार। थाली चाहे चांदी की हो या पीतल की, उसे घर मिलाना पति की जिम्मेदारी होती है और उसी थाली में गर्मा गर्म खाना परोसना पत्नी की जिम्मेदारी होती है। मानती हो? जी। अक्सर घर की बड़ी बहुएं छोटी बहुओं को सिखाती, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। बड़ी बहू को छोटी बहू से सीखना पड़ेगा। वो इतने दिनों बाद उनका कॉल आया था तो बस उनसे बात कर। देवी की मूर्ति देखी है ना? ये जानती हो कि देवी के 8 हाथ क्यों बनाए जाते हैं? ये बताने के लिए कि देवी माँ तीनों लोक और हम सभी की प्रार्थनाओं का भार अकेले उठाती हैं। देवी इतना कुछ अकेले संभालती है और तुम उसी देवी का रूप एक गृहस्थी अकेले नहीं संभाल पा रही हो। हमें माफ करिएगा दादी माँ, लेकिन हमें आपकी बात गलत लगी। देवी मैया के 8 हाथ होते हैं औरत के तो, लेकिन उन 2 हाथों में औरत झाड़ू पोछा बर्तन चोखा बच्चा पति ससुराल सबकी जिम्मेदारी उठा लेती है। बहू सिर्फ बहू नहीं होती है, थोड़ी सी डॉक्टरनी, थोड़ी सी मास्टरनी, थोड़ी सी ये, थोड़ी सी वो, और ना जाने क्या क्या। देवी माँ तो 8 हाथों से काम कर लेती है, लेकिन औरत के लिए तो 8 हाथ भी कम पड़ जाएंगे। आप औरतों को देवी माँ का दर्जा दे रही है ना, तो पूरा दर्जा दीजिए दादी माँ। हम औरत के हाथ में झाड़ू पोछा बर्तन सब थमा देते हैं, लेकिन किताब बहुत मुश्किल से थमाते। अगर औरत देवी माँ है तो उनके हाथ में किताब भी तो होनी चाहिए। सड़क पे कोई छेड़खानी करे तो हाथ में तलवार भी तो होनी चाहिए। देवी माँ की द्वार शाम तक बंद हो जाती है, देवी माँ भी आराम करती है दादी माँ, और औरतें कभी आराम नहीं करती। दिन भर बस काम काम काम, हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। औरत हमेशा ड्यूटी पर रहती है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। औरत अगर देवी माँ का रूप है तो डरती कहाँ है। देवी माँ ने भी राक्षसों का वध किया था, डर कर घर पे नहीं बैठी थी, तो औरतें घर पर काहे बैठे। हम औरतों में ना बहुत ताकत होती, अगर हमें काम करना है तो हम काम पे काहे नहीं जा सकते। अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो हम घर से बाहर काहे नहीं निकल सकते। हम भी तो निकले हैं ना, हम भी आप काम ही कर रहे हैं। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछिया और आंखों की सरम बताती है नया नया ब्याह हुआ है। ब्याह तो हो, माथे में सिंदूर है, सुहाग कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा पति? तुम पराए घर में रसोई संभालोगी तो तुम्हारे घर में रसोई कौन संभालेगा? तुम्हारा घर परिवार कौन देखेगा? माथे में सिंदूर भरने से औरत सुहागन होती है, ग्रस्तन बनने के लिए ग्रस्ती संभालनी पड़ती है, घर परिवार को जोड़ कर रखना पड़ता है। तुम्हारी बातें सुनकर समझ आया कि तुम अकेली काहे हो, और ऐसे विचारों वाली लड़कियां घर परिवार जोड़कर नहीं रहती। और दोबारा घर की बातों के बीच में मत बोलना। हमारी बहुएं भी हमारे सामने कुछ नहीं बोलती है, और तुम तो इस घर की सिर्फ एक नौकरानी हो।
दादी दादी गलती मेरी है, मैं ही बिना परमिशन रसोई में आ गया, आप हाँ प्लीज नाराज मत होइए। विक्रम बेटा हाँ मेरे लिए प्लीज। आज के बाद ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आज तो कमाल का दिन है। क्यों? कि आज पहली बार हमारे घर में किसी ने सच बोला है। बेचारी मुझे बचाने के चक्कर में डांट पड़ गई, जरूर रो रही होगी। मांग में सिंदूर बताती है नया नया ब्याह हुआ है, कहाँ है तुम्हारा पति? तुम्हारी बातें सुनकर समझ आया कि तुम अकेली का आए हो। खाना खा लेना। दादी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, हम नौकरानी तो है। लेकिन रेखा भाभी, उर्वशी माँ, माधुरी चाची, ये सब तो घर की बहुए हैं ना। दादी के सोच विचार से उन्हें कैसा महसूस होता है, इसके बारे में कभी सोचा आपने? जानते एक बार के लिए हमें ही बात चुकी थी कि हम घर की बहू होकर बावर्ची वाले काम काय कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि घर में बहू और बावर्ची के बीच में कोई अंतर ही नहीं है बाबू। इस घर में कौन क्या है मुझे बाहर वालों से जानने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जो लड़की पैसों की लालच में किसी की गृहस्थी तोड़ने को तैयार हो उसे घर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं बनता। अब कुछ ही समय में काली अमावस की रात शुरू हो जाएगी, आज घर से रक्षा घेरे हटाने होंगे, विक्रम का रक्षा सूत्र उतारना होगा। उस समय अगर उस लड़की ने विक्रम की रक्षा कर ली तो वो रक्षिणी है। माता रानी का दीपक इतने बरसों में विक्रम के लिए कवच बनाया था, उपाय किए थे, आज अपने हाथों से हटा रहे हैं। माँ ये बात भाभी को बिल्कुल मत बताना, हम विक्रम की जान को खतरे में डाल रहे हैं, जिसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। एक माँ को धर्म संकट में नहीं डाल सकते। माँ
सब हट गया, बस विक्रम के हाथ से सुरक्षा अंगूठी निकालना बाकी है। रास्ता काट के तो काली बिल्ली भी मर जाती है, तुम मोहिनी का रास्ता काट के अभी भी जिंदा हो?